हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो हमारा इस माइक्रोवेव के ऊपर है। एक्चुअली इसमें टच पैड्स काम नहीं कर रहे हैं, देख सकते हैं। खासकर स्टार्ट बटन ही ख़राब होता है, ये ज़्यादा यूज़ होता है, बाकी इसमें से एक दो बटन काम कर रहे हैं। तो अब हम इसे रिपेयर करेंगे, इसे किस तरह से रिपेयर करना है। तो हम लोग इसमें छोटे छोटे माइक्रो स्विचेस डालेंगे और पूरा प्रोसेस देखते रहिए, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। हम ये किस तरह से आप ये रिपेयर कर सकते हैं ये टच पैड। तो पहले हम ये पूरा खोलेंगे। तो इसके पीछे चार पांच स्क्रू है, ये हम खोल देंगे। इसका जो ऊपर का टॉप कवर है ब्लैक कलर का, अब हम टच पैड का कंट्रोल पैनल पे आपको दिखाएंगे इसे किस तरह से खोलना है। इसमें एक ऊपर स्क्रू रहेगा, जैसे कि ये देख सक रहे हैं। पहले एक स्क्रू खोलेंगे, नीचे साइड में भी एक, लेफ्ट साइड में है एक स्क्रू, दो स्क्रू हैं, किसी में एक रहता है किसी में दो रहते हैं। ये सैमसंग का माइक्रोवेव है। तो कनेक्शंस निकालेंगे। आप कनेक्शन निकालते समय आप एक फ़ोटो खींच लीजिए उसका फर्स्ट, नहीं तो बाद में फिर आपको कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ये पूरे कनेक्टर्स हैं, इसमें एक ओवन का है, एक हीटर का है, एक माइक्रो का है, तीन कनेक्टर्स हैं, नीचे भी और एक कनेक्टर है। आप पूरे कनेक्टर निकाल लीजिए, एक फ़ोटो खींच लीजिए, बाद में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होगा। और इसमें एक अब पूरी तरह से अब इसको निकल गए हैं पूरे। एक अर्थिंग का भी है साइड में, इसमें भी एक स्क्रू रहेगा। अब हमें नीचे से इसको ऊपर की तरफ करना है, डोर खोलना है आपको और ऊपर स्लाइड करना है और बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। तो ठीक है, हम माइक्रोवेव बगल में रख देते हैं। अब ये पूरा सर्किट बोर्ड खोलेंगे। तो ये पैनल बोर्ड यहाँ पे है, इसमें दो स्क्रू रहेंगे, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। वो पहले खोलेंगे और बोर्ड को अलग करेंगे। हर मॉडल में अलग अलग तरह का स्क्रू सिस्टम होता है, वो आप देख सकते हैं, खोलने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पे एक लॉक रहेगा, लॉक से स्लाइड करेंगे इसमें, वहाँ से इसे प्रेस करना है और ये खुल जाएगा। ये निकल गया है और इसमें एक जो टच पैड का रिबन रहेगा उसे भी अलग करेंगे। साइड से प्रेस करना है और फिर लॉक रहेगा एक छोटा सा, उसको ऊपर खींचना है, इसमें रहेगा। ये देख सकते हैं, इसे ऊपर की तरफ खींचना है साइड से पकड़ के ऐसा, तो आपका रिबन, टच पैड का रिबन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, पैड रहेगा पैनल, उसे निकालेंगे स्टिकर एक ब्लेड की मदद की तरह। ये ब्लेड ले लीजिए इस तरह से, हम निकालेंगे सामने का जो पैड, डिस्प्ले पैड। इसके अंदर और एक रहता है मेम्बरेंस, इसे आपको सावधानी से निकालना है क्योंकि फिर आपको फिर ये रीयूज़ करना है। ये पैड साइड से ऐसे थोड़ा वो करिए और इसे पील कर दीजिए, खींच दीजिए। गम लगा हुआ रहता है, अंदर मेम्बरेंस को पकड़ लीजिए और ये सामने का स्टिकर निकल जाएगा। ठीक है, इसे हम साइड में रख देंगे ऐसे। ठीक है, निकल गया, इसे हम साइड में रख देंगे
अब अंदर का मेमोरीज निकालेंगे, इसके पीछे जो रिबन रहेगा उसे काट देंगे, इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, अलग हो गया है वो। ठीक है, मेम्ब्रेन्स के साथ में आ गया है। अच्छा, ये डबल मेम्ब्रेन्स हैं, आपको बीच में से दो करना है, देख सकते हैं बीच में, ये दोनों के बीच में ये लगा हुआ रहता है इस तरह से, तो यहाँ से कांटेक्ट होता है और फिर इस पर टच होता है जब हम प्रेस करते हैं, तो दोनों के बीच में हमें फाड़ना है, इसे अलग अलग करना है सेपरेट। तो हमने बीच में से अलग कर दिया है दोनों। अब देख सकते हैं ये जो हमने बीच में से इसे निकाला था, अब ये पूरा हमारा मार्किंग है। अब इसमें हम माइक्रो स्विचेस फिट करेंगे, उससे पहले हम इसमें ड्रिलिंग करेंगे। तो माइक्रो स्विचेस का जो हमारा साइज़ है वो 6 mm है, तो 6 mm का होल करेंगे, और होल करने के बाद आपको माइक्रो स्विचेस बताएंगे किस तरह से फिट करना है। होल्स पूरे हो गए हैं, इसमें 20 स्विचेस हैं। अब हमें जो मेम्ब्रेन्स था जिसको हमने बीच में से सेपरेट किया था, बैक साइड वाला मेम्ब्रेन्स है, अब इसे हम निकाल देंगे। ये लगाने का कारण क्या होता है कि आपको करेक्ट सेंटर्स जो रहेगा उसका ड्रिलिंग करने का, वो मिलेगा आपको सेंटर। तो ये निकाल देते हैं। ये निकालने के बाद हम इसमें माइक्रो स्विचेस लगाएंगे। ये टेम्पलेट की तरह काम करेगा स्विचेस सेंटर के लिए। ठीक है, निकल चुका है। तो ये पूरे होल्स हो गए हैं स्विचेस के, और आपको ये बिट 6.4 mm का यूज़ करना है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि स्विच 6 mm का है और आपको थोड़ा उसके अंदर जगह बनाने के लिए 6.4 mm का बिट यूज़ करना पड़ेगा। और हमारे पास ये माइक्रो स्विचेस हैं, ये लगाएंगे। अगर आप बाय करना चाह रहे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दे सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो स्पेयर पार्ट्स बेचते हैं वहाँ पे भी मिल जाएगा ये स्विच। ठीक है, तो अब इसमें हम बैठाएंगे पूरे स्विचेस। ये स्विच को ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, एकदम नॉर्मल पर लगाना है। ये देख सकते हैं इसका हाइट इस तरह से। स्विचेस पूरे बैठ गए हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा, ये जो पैड है, ये नीचे वाला पैड है, ये ऊपर वाला है, ये दोनों इस तरह से चिपके हुए रहते हैं इस तरह। तो फर्स्ट हम ये वाला पैड का वायरिंग करेंगे स्विच पे, जिसमें अगर स्विच में दो कनेक्टर्स होते हैं तो फर्स्ट कनेक्टर का ये वाला रहेगा। तो इसमें जिस तरह से ये ट्रैकिंग जा रहा है, आपको ट्रैकिंग जैसे देख सकते हैं, तो ट्रैक के हिसाब से कौन सा वायर किधर जाएगा वो पूरा पहले हमें वो करना पड़ेगा। तो उसको सॉल्डरिंग करना शुरू करते हैं। ये हमारे पास वायर है, ये थोड़ा मोटा वायर है हमारे पास, पतला नहीं है। आप पतला वायर यूज़ कर सकते हैं, कलर कोड की ज़रूरत नहीं है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आपको 0.2 mm वायर यूज़ करना पड़ेगा, बहुत पतला होता है। तो इसी से वायरिंग करेंगे इसका।
हम पहले इसका करेंगे, इसमें दो पिन है, फर्स्ट कनेक्टर वाला जो नीचे का पैड है उसका ये कनेक्टर को पूरा कनेक्ट करेंगे एक साइड का, कोई भी आप कर सकते हैं लेफ्ट या राइट। तो उसे हम देखते हुए करेंगे, इसका पैड का जो ट्रैकिंग होता है आसान होता है, जैसे ट्रैक देख रहे हैं कैमरे में सही नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट देख रहे हैं जिस तरह से वो ट्रैक जा रहा है, ये फर्स्ट ट्रैक है, उसी तरह से ये वायर का पूरा वायरिंग करनी पड़ेगी इसकी स्विच की। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। नीचे का टच पैड का जो है मेम्ब्रेंस का वो वायरिंग हो चुकी है पूरा, तकरीबन लूप रहता है पूरा, देख सकते हैं एक साइड का जो स्विच का उसकी वायरिंग हो चुकी है, काफ़ी शॉर्ट मतलब जंपर भी होते हैं। और आपको ये सॉल्डरिंग करने का, तो इसको आपको सॉल्डरिंग से थोड़ा दबाना है, ये प्लास्टिक में थोड़ा चिपक जाए, जो रहता है ना इसका जो लेग रहेगा इसको थोड़ा आपको प्रेस करके यहाँ पे सॉल्डरिंग करना है, फिर बगल में थोड़ा सॉल्डरिंग से इसको प्रेस कर देना है, इस पर चिपका देना है इस पर प्लास्टिक पे, तो आपको सपोर्ट बना रहेगा। तो चलो अब ऊपर टच पैड का ऊपर का सेकंड जो रहेगा वो करेंगे, आपको ये जो ऊपर वाला है अब इसका ट्रैकिंग पूरा चेक करेंगे हम, उस तरह से ये सेकेंड लेग का भी वायरिंग कर देंगे। तो शुरू करते हैं सेकेंड वाला। स्विच के दोनों लेग्स की वायरिंग हो चुकी है, आपके कम से कम 5 इंच आपको छोड़ना है वायर, और आपको अब ये मदरबोर्ड पर लगाना पड़ेगा, ये इसका जो कनेक्टर है ये वाला, ये अब ये पीछे यहाँ पे बने हुए हैं, तो आपको जो इसका जो पिन है ये आप यहाँ से मल्टीमीटर से चेक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा वायर किस पे सॉल्डर होगा, पिन पे देख सकते हैं, इस पे करेंगे हम, ये जो पिन था। तो पूरे वायरिंग आपको चेक करना पड़ेगा और सॉल्डरिंग करते रहना है यहाँ पे, ये पिन पे पूरा, तो ये पूरे वायर से हम इसमें सॉल्डरिंग करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल पे डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो आप उस हिसाब से कौन सा स्विच का वायर किस कनेक्टर पे जा रहा है आपको वहीं पे आपको ये सॉल्डर करना पड़ेंगे पूरे वायर्स। तो ये सॉल्डरिंग करते हैं। Thank you.
पूरे वायरिंग ये कनेक्टर पे जो बैक साइड में सॉल्डरिंग हो चुके हैं, इसमें थोड़े ब्लैंक भी है, तो बाद में आप इसमें ग्लू गन से आप ग्लू भी लगा सकते हैं, हमें हम बाद में लगाएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप ये सिलिकॉन भी डाल सकते हैं, ग्लू गन भी से भी आप ये वायर पूरा स्टैंडर्ड हो जाएगा, आपके बटन सिलेंगे नहीं। चलिए इसे फिर माइक्रो में फिट करके टेस्ट करना शुरू करते हैं। पहले से बोर्ड में फिट कर देंगे, मदरबोर्ड आप फिट कर देंगे इसमें, तो इसमें वायर को आप दो तीन बार घुमा दीजिए, बोर्ड को दो तीन बार, तो वायर आपका ज़रा टाइट रहेगा, इसके अंदर इधर उधर फैलेगा नहीं। अभी इसे हम चेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें थर्मास्टेट सेंसर्स लगाना पड़ेगा, एरर बताएगा, तो हम इसमें माइक्रोवेव में लगा के फिट करके बताएंगे आपको। ये दो स्क्रू लगा, ये देख सकते हैं स्क्रू हम बाद में लगाएंगे। अब इसके सामने हम लोग ये फेस उसका जो रहेगा प्लेट वो लगा देंगे इस तरह से। सबसे पहले हमें इसमें डबल टेप लगाना पड़ेगा, डबल टेप इस तरह का ले लीजिए, अच्छा क्वालिटी का, आपको ये विनाइल या रेडियम का जो काम करते हैं उनके पास मिल जाएगा, और जो कार डेकोरेशन जो करते हैं उनके पास भी ये मिलेगा। 3M कंपनी का ले लीजिए, कोई भी चलेगा, 1 mm थिकनेस रहना चाहिए डबल साइड टेप का और अच्छी क्वालिटी का। तो इससे पहले हम टेप चिपकाएंगे पैनल पे, फिर ऊपर से फेस प्लेट लगा देंगे। अभी ऊपर का जो है उसका पेपर उसको हटाएंगे, ऊपर का ये चिपका देंगे। इससे पहले ये जो रिबन से वो कट कर देंगे, और जो मेम्ब्रेन से उसको ऐसे ही चिपका हुआ रहना देना चाहिए, सो दैट ए स्विच के बीच में थोड़ा डिस्टेंस आएगा, ऑपरेट करने में वो होगा, प्रेस नहीं होंगे। आपको कोने मिला के चिपकाना है, इधर उधर नहीं जाना है, और डबल साइड टेप चिपक जाएगा। अच्छा क्वालिटी का डबल टेप यूज़ करिए, 3M का, उसका टेप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी बाई कर सकते हैं। तो चिपक गया है इसमें। चलिए इसको माइक्रोवेव में फिट करने के बाद आपको टेस्ट करके बताते हैं। इसका पैनल फिट कर देंगे। हाँ, तो प्लग लगा दिए हैं, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, स्टॉप बटन काम कर रहा है, स्टार्ट बटन भी काम कर रहा है, एक बार पूरे बटन टेस्ट करिए। ठीक है, रुकिए, तो ठीक है, तो बटन्स हमने पूरे टेस्ट कर लिए हैं, सब परफेक्ट काम कर रहे हैं।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है, और आज आपने देखा होगा हमने किस तरह से टच पैड रिपेयर किया है। अगर कभी भी क्या होता है कि मार्केट में मिलता नहीं थोड़े टच पैड्स, तो आप इसी तरह से रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है, और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।